बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और ये आज ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है। मैं कोशिश करूँगा कि आज प्लेन मिरर ख़त्म हो जाए और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्फेरिकल मिरर चालू कर दें, जिसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो आप लोगों को पढ़ाया था, दो दो क्लासेज हो चुकी है, और इन दो क्लासेज के अंदर क्या पढ़ाया था मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ाए थे सोर्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर। जिन भी बच्चों ने पुराने दो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो हो सकता है आज को उनका लेक्चर ना समझ में आए, तो मैं कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि पहले आप वो दोनों लेक्चर देख लीजिए, तो ये लेक्चर ज़्यादा आसानी से समझ में आ पाएगा आपको। अच्छा, जिन बच्चों ने दोनों लेक्चर देख लिए हैं, तो हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है? दो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था लाइट के सोर्स कौन कौन से हैं। लाइट के सोर्स कौन कौन से हैं? दो सोर्स हैं, एक तो ल्यूमिनस सोर्स और एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल, सन। सन जो है ये ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि उसके पास में खुद की लाइट है। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स जो किसी और की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके रीमिट करते हैं, और वो रीमिटेड लाइट से अपने को वो नजर आते हैं। तो ये जो है ये होते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। मतलब जो ल्यूमिनस सोर्स है उनके अलावा, ल्यूमिनस सोर्स कौन कौन से हैं? सन है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इनके अलावा अपने को जो भी अपने सराउंडिंग में नज़र आता है वो सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई भी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सी है? जो किसी मिरर पे या फिर किसी लेंस पे गिरने के लिए जा रही है, मतलब रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन करने के लिए जा रही है, उनको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे या इनपुट रेज। तो इनपुट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और अगर इनपुट रेज आगे बढ़ाने पर काट रही है तब तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है? तब तो ऑब्जेक्ट हो जाता है वर्चुअल। और अगर इनपुट रेज पीछे बढ़ाने पर काट रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है? तब ऑब्जेक्ट हो जाता है रियल। उसके बाद में बात करी थी हम लोगों ने इमेज की। इमेज हम लोग किससे ढूंढते हैं? जब इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो जाए, मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लेंस से क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद उनको अपन बोल देते हैं आउटपुट रेज। तो आउटपुट रेज जो चलेगी उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे इमेज। अब अगर आउटपुट रेज आगे बढ़ाने पर काटती है तो ऑब्जेक्ट होगा कैसा? रियल। और अगर पीछे बढ़ाने पर काटती है तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। शायद मैं इमेज की जगह ऑब्जेक्ट बोल गया हूँ, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इमेज क्या होता है? इमेज होता है आउटपुट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट। आउटपुट रेज कौन सी? जो मिरर पे या लेंस पे गिरने के बाद में जो निकलेगी, रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके जो निकलेगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे आउटपुट रेज। तो आउटपुट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग नाम देंगे इमेज। अब अगर आउटपुट रेज आगे बढ़ाने पर काट रही है तब तो इमेज क्या हो जाएगा? तब तो इमेज हो जाएगा रियल। और अगर आउटपुट रेज पीछे बढ़ाने पे काट रही है तो इमेज कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में उल्टे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज किया था और फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में समझाया ही था। उसके बाद में हम लोग आ गए थे प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर ही चल रहा है अभी तक। और प्लेन मिरर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लेन मिरर के अंदर कोई भी शाइनी और पॉलिश सरफेस अगर उसके ऊपर ये जो है हम लोग कोई लाइट की रे डालें और वो 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मिरर। उसके बाद में अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि कोई भी आने वाली रे जो मिरर पे गिरने के लिए आ रही है उसका नाम रखा था हम लोगों ने इंसिडेंट रे। जो मिरर से टकरा के वापस निकली उसका नाम रखा था हम लोगों ने क्या? उसका नाम रखा था हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे। और जिस जगह ये इंसिडेंट रे टकराई थी वहाँ पर अपन ने एक 90 डिग्री की लाइन खींच ली थी उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? उसका नाम रखा था हम लोगों ने नॉर्मल। तो हम लोगों ने बोला था कि आने वाली रे यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल आई, और जाने वाली रे यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल आर, और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होते हैं, और ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अच्छा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं। अच्छा, दूसरा इंसिडेंट रे जो मिरर के साथ में एंगल बनाती है उसका नाम रखा था अपने थीटा, और जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ में एंगल बनाती है उसका नाम रखा था हम लोगों ने फाई। तो ये थीटा और फाई भी आपस में सेम होते हैं। अच्छा, एक मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंस, उसके क्वेश्चंस वगैरह भी कराए थे। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस अगर कोई लाइट की रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली नॉर्मल पे चढ़ती हुई बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिरर के ऊपर जाके गिर गई, यानी उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल पे चलती हुई मिरर के ऊपर जाके गिरी यानी 90 डिग्री के ऊपर जाके गिरी, तो वो वापस बैक आ जाएगी और अपने जो पाथ है उसको रिट्रेस करेगी। तो इसको अपन बोलते हैं रिट्रेसिंग। इसके क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने कराए थे, इसके लिए मैं रेफर करूँगा कि आप लास्ट लेक्चर देखें जो भी नए बच्चे हैं, और बाकी पुराने बच्चों ने देख ही रखा होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग रिपीट करें, फिर जब अपन लाइव सेक्शन चालू करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये अपने रिट्रेसिंग वगैरह के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में लास्ट जो मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाई थी इमेजिंग, कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, और मैंने आप लोगों को पॉइंट इमेज बताया था
कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो अपनी इमेज देखना चाहता है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि सपोज करो एक मक्खी है और वो अपनी इमेज देखना चाहती है, एक फ्लाई है या एक मॉस्किटो है या एक कॉकरोच है जिसको अपन पॉइंट इमेज मान सकते हैं, तो ये अगर अपना इमेज देखना चाहते हैं किसी मिरर के अंदर तो ये कैसे दिखेंगे, ये इसके लिए रे डायग्राम बनाया था अपन ने, और अपन ने क्या बोला था, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पर इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल है। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है, और हमेशा इमेज, तीन पॉइंट याद रखने आपको, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ तीन पॉइंट। पहला पॉइंट ये, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, दूसरा पॉइंट, जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर क्या मिलेगा, उतनी डिस्टेंस पर मिलेगा अपने को इमेज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पर होते हैं मिरर से। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है तो इमेज भी 5 मीटर पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस कम करता है, 2 मीटर कर देता है अपनी डिस्टेंस मिरर से, तो इमेज भी अपनी डिस्टेंस कम कर देगा। और अगर ऑब्जेक्ट जाके मिरर के चिपक जाता है, अगर ऑब्जेक्ट जाके मिरर के चिपक जाता है, यानी डिस्टेंस हो जाती है 0 मीटर, तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 0 मीटर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या था, कि हमेशा इमेज बनता कहाँ है, हमेशा इमेज बनता है जो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली, ऑब्जेक्ट और मिरर को मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके ऊपर मिलता है। हमेशा इमेज कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट को और इमेज को मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उस परपेंडिकुलर लाइन पे मिलेगा। आप 90 डिग्री की लाइन खींच लो, हमेशा आपको इमेज कहाँ मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पर मिलेगा। तो अपन ने यहाँ तक का काम कर दिया था, आज हम लोग वापस प्लेन मिरर की इमेजिंग देखते हैं, और हम लोग देख रहे हैं अभी कौन सी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज। जैसे मान लो हम लोग खुद या आप लोग खुद क्या हो, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो आप खुद मिरर के सामने जाके खड़े हो गए। अब आप लोगों की हाइट हो सकता है कि 5 फुट से ज़्यादा ही होगी, आप सभी लोगों की हाइट 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 5 इंच, ठीक है, कोई लंबा बच्चा भी होगा 6 फुट का भी होगा, कोई 6 फुट से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जाके मिरर के सामने खड़ा होता है, जैसे मान लो आप लोग किसी एक फुल लेंथ वाले मिरर के सामने खड़े हो गए जो आपका फुल इमेज दिखाएगा, है ना, आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़े हो गए, आपका जो मिरर है वो इतना बड़ा है कि आपको फुल इमेज दिखती है उसके अंदर, तो आपका इमेज कैसा बनेगा वो अपन लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा रे डायग्राम। ये मैंने देखो इधर नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, इन नोट्स के अंदर भी बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पर भी ये जो आपको बना के समझाता हूँ। देखो ये जो है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, देखो ज़रा, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, एम नाम रख रखा है मैंने इसको, प्लेन मिरर है, और हम लोगों ने इसको वर्टिकल पोजिशन में रख रखा है। ये यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, एक एरो बनाया हुआ है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। मतलब जैसे सपोज करो हम लोग ही खड़े हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग अपनी शक्ल देखने के लिए आएंगे, हम लोग लगते कैसे, हमारा अपीयरेंस कैसा है, ये देखने के लिए आए हैं मिरर के सामने आके खड़े हुए हैं। तो ये जो है, ये रेड कलर का जो है ये ऑब्जेक्ट है, रेड कलर का जो एरो है। अब इससे हम लोग इमेजिंग करते हैं, देखो इससे हम लोगों ने दो रे भेजी मिरर की तरफ, एक रे तो भेजी है ये ब्लैक वाली जिसके ऊपर मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही रे तो, एक जो रे है ये मिरर की तरफ जा रही है, ये तो है ये वाली जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया, दूसरी रे जो है वो ये है जिसके ऊपर मैंने एक और एरो बनाया, तो ये दो रे मिरर की तरफ गई, है ना, और ये जो है इसकी हाइट जो है वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट में मान लेता हूँ एच, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट जो है ये मान ली मैंने एच, ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट है। अब इसने दो रे भेजी, ये रे क्यों भेजेगा, अगर ये खुद ल्यूमिनस सोर्स है तब तो अपनी लाइट भेज देगा, अदरवाइज इसके ऊपर किसी और की लाइट गिर रही होगी, और की लाइट गिर रही होगी तो ये पहले उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके रिमिट करेगा, तो जो रिमिटेड लाइट है वो मिरर की तरफ जा रही है। जैसे मान लो मैं शक्ल देखने के लिए खड़ा हूँ अपनी, मैं अपने आप को देखने के लिए खड़ा हूँ मिरर के सामने, तो मैं रे कैसे भेजूंगा, मैं कोई बल्ब हूँ या मैं कोई ट्यूबलाइट हूँ, मैं रे कैसे भेजूंगा, मैं रे ऐसे भेजूंगा कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उस कमरे के अंदर या उस ड्रेसिंग टेबल पे के सामने वहाँ पर लाइट होगी, वो लाइट मेरी बॉडी पे गिर रही होगी और मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके वापस रीमिट कर रही होगी, तो वो जो रीमिटेड लाइट है वो मिरर की तरफ जा रही होगी, तो और उसी लाइट को मैं रिफ्लेक्ट करा के वापस बैक लूँगा और बैक आके वो मेरी आंखों में जाएगी और आंखों में जाके मैं अपने आप को देख पाऊँगा। तो देखो ये जो अपन की हेड की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी इमेज बना रहे हैं, तो ये जो एरो हेड है, जो रेड कलर का जो एरो हेड है, जो एरो का हेड है, यहाँ से दो रे गई, एक रे तो गई ये बिल्कुल परपेंडिकुलर और एक रे मारी है अपन ने थोड़ी सी टेढ़ी। अच्छा ये जो परपेंडिकुलर गई है 90 डिग्री के ऊपर जाके गिरी है, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है इसका, तो ये तो क्या आ जाएगी, ये तो वापस बैक आ जाएगी, तो इसको तो बुला लिया अपन ने वापस बैक, ठीक है ना, ये तो वापस बैक आ गई, तो इसको तो बैक मंगा लो, ये तो आ गई बैक, ये मैंने देखो बैक मारने का तीर, ये जो एरो लगा दिया। और ये जो टेढ़ी गई है,
ये टेढ़ी गई तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कॉपी करेगी, तो यहाँ पर क्या बनाओ, यहाँ पर बनाया बनाओ आप एक नॉर्मल, तो ये अपन बना रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्मल, ये 90 डिग्री की अपने लाइन बनाई, ये 90 डिग्री लाइन बनाई, जितने एंगल पर आई ये उतने उतने एंगल पर निकल जाएगी। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, सपोज करो ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा, तो जितने एंगल पर ये आई है उतने उतने एंगल पर ये निकल जाएगी, तो उतने उतने एंगल पर इसको निकाल दो, जितने एंगल पर ये आई उतने उतने एंगल पर इसको अपन निकाल देते हैं। उतने उतने एंगल पर ये ऐसे निकल गई, ये रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होकर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई और एंगल आर इक्वल हुए, एंगल आई थीटा बोला है अपन ने, तो ये एंगल आर कितना हो जाएगा, ये एंगल आर भी थीटा ही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो आप, इस ऑब्जेक्ट को अपन ने रियल क्यों कहा है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट। क्यों है ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट इसलिए है क्यों, क्योंकि ये जो दोनों रे इससे निकली है, जो इंसिडेंट रे ये पीछे बढ़ाने पे कट कर रही है। देखो अगर अपन इसको पीछे बढ़ाएं, ये पीछे बढ़ाएं, तो इसके एरो हेड रेड कलर के एरो हेड पे ये कट कर रही है दोनों रे, जो इसे निकाली थी हम लोगों ने, ये रेड रेड कलर के एरो हेड पे कट कर रही है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया रियल। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ भी है कि अगर कोई भी इनपुट रेज अगर पीछे बढ़ाने पर काट रही है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बोला जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा ये जो दोनों रे है, कौन सी रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जिसके ऊपर मैं एक बार और एरो मार देता हूँ, ये वाली रे देखो जिसपे मैं एरो चला रहा हूँ, और एक ये वाली रे जिस पे मैं एरो चला रहा हूँ, तो ये वाली जो दोनों रे है ये कैसी है, ये दोनों रे आउटपुट रेज है, और आउटपुट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। आउटपुट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो देखो ये जो ये आउटपुट रे इसको पीछे बढ़ाओ, ये आपको इधर से आती महसूस होगी, इधर से आती महसूस होगी, इसको बिल्कुल सीधा का सीधा पीछे ले लो, बस ये सीधा का सीधा सीधा पीछे ले रहा हूँ मैं, ये सीधा पीछे लिया, और ये वाली जो आउटपुट रे इसको भी सीधा का सीधा मैंने पीछे लिया, तो ये सीधा का सीधा पीछे लेने पर ये कहाँ कट रही है, ये कट रही है यहाँ पर, और ये दोनों आउटपुट रेज पीछे बढ़ाने पे काट रही है, बैकवर्ड एक्सटेंशन में काट रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, और ये इमेज कैसा हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगा रियल इमेज, ये वाला जो है ये रियल इमेज हो जाएगा, ये जो इमेज है ये रियल इमेज हो गया, और ये रियल इमेज हो गया, और क्यों, क्योंकि ये एरो हेड से आई थी और इस जगह एरो हेड कट गया, तो इस जगह आपको क्या मिल जाएगा, इस जगह आपको मिल जाएगा एरो हेड, तो ये मिल गया अपने को रियल इमेज, जो कि मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा इमेज, और ये इमेज कैसा है, ये इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, वर्चुअल इसलिए है क्यों, क्योंकि ये आउटपुट रेज या बैकवर्ड एक्सटेंशन में, देखो मैं ब्लू कलर से एक बार वापस समझा रहा हूँ, ये बैकवर्ड एक्सटेंशन पर काटी है, बैकवर्ड एक्सटेंशन पर काटी है, तो यहाँ पर ये इमेज कैसा मिला, ये इमेज मिला आपको क्योंकि पीछे बढ़ाने पर, अगर आउटपुट रेज पीछे बढ़ाने पर काट रहे तो इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। तो एक पॉइंट तो अपने को यहीं से क्लियर हो गया कि रियल ऑब्जेक्ट को ये कैसा बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट को ये वर्चुअल बनाता है, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो ये इमेज कैसा बनाएगा, इमेज बनाएगा ये वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोग डिस्टेंस नापें, जैसे अगर सपोज करो ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली एंगल वगैरह नाप के बनाया जाए, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस भी डी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस भी डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा, तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस पर बना था ये। अगर आप यहाँ से इससे 5 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हो तो ये डी भी कितना होगा, ये डी भी 5 मीटर होगा। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ, देखो इधर नोट्स के अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, अभी पढ़ लेंगे अपन लोग। तो नंबर पहली बात कि ये जो है रियल ऑब्जेक्ट को कैसा बनाता है, वर्चुअल, नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर ये क्या बनाता है, इमेज। अच्छा दूसरा, अगर तुम इस इमेज की हाइट नापो तो ये हाइट भी आपको एच ही मिलेगी, और अगर एच हाइट मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की हाइट भी क्या रखता है, सेम रखता है। जैसे अगर सपोज करो आपकी हाइट 6 फिट है, जैसे मेरी हाइट 6 फिट है, और अगर मैं किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे जैसा जो इमेज दिखेगा मुझे मिरर में वो भी 6 फिट का ही होगा। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हो, जितना उसका हाइट है उतना का उतना हाइट का वो इमेज भी क्या करता है, बनाता है। तो इसका मतलब सेम हाइट सेम डिस्टेंस रियल को बनाता है ये वर्चुअल, कौन, प्लेन मिरर, और कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस ज्योमेट्री से ये क्या कर देता है, इमेजिंग कर देता है, बस एक लेटरल इन्वर्जन कर देता है। एक आप ये पॉइंट ध्यान रखना, जैसे सपोज करो ये एक मिरर है, ये जो है यहाँ पे ये एक मिरर दिखा रहा हूँ मैं, ये ब्लू कलर से, सपोज करो ये एक मिरर है और ये मिरर दिखाया मैंने, ये प्लेन मिरर है। अब सपोज करो इसके अंदर तुम कोई ये जो है अल्फ़ाबेट देखते हो, जैसे मान लो आपने अल्फ़ाबेट देखा बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बे, ये आपने एक अल्फ़ाबेट देखा, तो इमेज जो आपको दिखेगी वो आपको इस तरह से लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी, ये इमेज ऐसे दिखेगी, दिखेगा तो वैसा का वैसा ही सेम साइज़ का दिखेगा। अगर मान लो इस मिरर से इसका डिस्टेंस सपोज करो 5 मीटर है, तो इस वाले बी का डिस्टेंस भी कितना होगा इस मिरर से, 5 मीटर ही होगा, दिखेगा भी बिल्कुल वैसा का वैसा, हाइट भी सेम होगी,
अगर ये 1 सेंटीमीटर की हाइट का बी है तो आपको ये भी कितना दिखेगा, ये भी आपको 1 सेंटीमीटर ही दिखेगा, बस लेफ्ट तो दिखेगा राइट साइड में और राइट दिखेगा लेफ्ट साइड के अंदर। इसको अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्ट हो जाती है इमेज। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो ना, अगर आपका राइट एंड ये है ठीक है ना, तो सामने जो इमेज है उसका राइट एंड कौन सा होगा, उसका राइट एंड ये वाला होगा, उसका राइट एंड ये वाला होगा। आपका राइट एंड अगर ये है तो आपका इमेज जो पलट जाएगी, लेफ्ट तो आ जाएगा राइट में, राइट आ जाएगा लेफ्ट के अंदर, इस साइड में आ जाएगा। तो ये जो क्योंकि अपने सामने खड़ा होता है ना वो, तो हमारा ये वाला जो हाथ होगा, हमारा ये वाला जो हाथ होगा तो उसका ये वाला हाथ होगा, तो ये इस तरह से इमेज पलट जाएगी। तो अपन देखो इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, ये रे डायग्राम बना हुआ है उसको देखो, मैं इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, इधर स्टार लगा के, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, नंबर पहली बात, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल, नंबर पहली बात। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम, इक्वल साइज के होते हैं, जितना लेंथ है जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना उतना इमेज का होगा। नंबर तीसरा पॉइंट देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम द मिरर, मिरर से डिस्टेंस सेम होता है। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज हमेशा सीधी होगी, उल्टी इमेज नहीं बनेगी। उल्टी इमेज बनाने वाले मिरर भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, उल्टी इमेज बनाने वाले भी मिरर होते हैं। आगे जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो वहाँ देखना कई ऑब्जेक्ट आपका इमेज जो है वो क्या बनाएंगे, उल्टा भी बनाएंगे। कई मिरर जो ऐसे होंगे कि वो ऑब्जेक्ट को उल्टा बना देंगे, इन्वर्टेड इमेज बना देंगे। तो इमेज इसके अंदर हमेशा इरेक्ट बनेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब वो देखो सब वहाँ पे भी मैंने ये समझा रखा है कि एक बी जो है वो कैसा बन गया है, ये लेटरली इन्वर्ट हो गया। और उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देखो, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड एट परपेंडिकुलर लाइन, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगी, जो बी को मिलाने वाली परपेंडिकुलर लाइन है। जैसे ये जो है यहाँ पे अपन ने ये बी बनाया हुआ है, इस बी को मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर ये क्या करेगी, उसके ऊपर इमेज मिलेगी। ये 90 डिग्री की लाइन मिला लो आप, यहाँ पर क्या करेगी आपको इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि बी तो है आपका यहाँ पर और आपको इमेज मिल रही है इसकी यहाँ पर, इस जगह मिल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है ना, हमेशा 90 डिग्री पे मिलेगी। तो ये है इसके पॉइंट। और ये अपन ने बनाया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अपने नोट्स को अगर अपन देखें तो देखो उसके मैंने दो रे जो है उसके बॉटम से भी भेज रखी है, एरो हेड से भी भेज रखी है और एरो की टेल से भी भेज रखी है। देखो ये जो एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, इसे डायग्राम में मैं बना देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ये इसका टेल है, इस टेल से एक रे तो गई ऐसे, ये रे जा रही है एक रे है ना, और एक रे कैसे गई, एक रे गई है ऐसे, ये जा रही है एक दूसरी रे, ये दूसरी रे जा रही। अब ये वाली जो रे सीधी गई है, ये वाली रे, ये तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है इसका, ये तो बैक आ जाएगी। और ये जो रे टेढ़ी गई है, ये यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दो और ये जितना एंगल होगा थीटा उतना गोता एंगल क्या हो जाएगा, उतना गोता एंगल ये भी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगी साइड के अंदर, ये जो दिखा रखी है ये एंगल थीटा पे निकल जाएगी। अब ये वाली आउटपुट रे जो मैं रेड कलर से मार्क करने वाला हूँ, ये वाली आउटपुट रे है और ये वाली आउटपुट रे, और ये वाली जो थी ये इनपुट रे थी जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये जो है ये दोनों इनपुट रे थी। तो देखो इनपुट रे पीछे बढ़ाने पर काट रही है, यहाँ पे पीछे बढ़ाने पर काट रही है और पीछे बढ़ाने पर काट रही है। तो ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। और ये जो ना आउटपुट रे है ये भी पीछे बढ़ाने पे देखो यहाँ काट रही है, जहाँ से मैं रेड को पीछे बढ़ा रहा हूँ ये पीछे बढ़ाने पे यहाँ काट रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है आपका एच हाइट का उसका बॉटम बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये एच हाइट का ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, एच हाइट का ऑब्जेक्ट था तो एच हाइट का इमेज बन गया। तो इस तरह से ये प्लेन मिरर क्या करता है, इमेजिंग करता है। ये इसके पॉइंट्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पास में, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के अंदर आएगा, वहाँ पर इमेजिंग एक फॉर्मूले से होती है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। सेम साइज सेम हाइट, रियल को वर्चुअल और बस लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड को राइट में दिखाएगा, राइट साइड को लेफ्ट में दिखाएगा, ये प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट है। अच्छा, प्लेन मिरर के अंदर बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पाई है मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम लोग जब आपके ट्रिग्नोमेट्री हो जाएंगे तो वापस इसको रिव्यू के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इमेज बनाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ प्लेन मिरर का, ताकि आज हम लोग प्लेन मिरर खत्म करेंगे पूरा। देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, नोट्स तो मैंने आज नहीं प्रोवाइड किए हैं, जिस बच्चे को आवश्यकता होगी, जिस बच्चे को जरूरत होगी, हम लोग ग्रुप के अंदर ही नोट्स ये जो कॉपी करके मैं भिजवा दूंगा, अक्षय सर भेज देंगे या मैं भेज दूंगा। देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज करो दो मिरर ले रहा हूं मैं, दो प्लेन मिरर ले रहा हूं, ये मैंने लिया एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है, ये पीछे से पेंट किया हुआ है और आगे से जो है ये चमकदार है, आगे से शाइनी है। एक दूसरा प्लेन मिरर ले रहे हैं हम लोग,
दोनों पैरेलल हैं और इनकी शाइनी सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही है। इसका ये पेंटेड सरफेस पीछे की तरफ है और दोनों पैरेलल है आपस में। ये अगर ये पैरेलल नहीं भी दिख रहे हैं आपको डायग्राम, तो भी आप पैरेलल ही मानना कि ये दोनों मिरर। इस मिरर का नाम रख देता हूँ मैं M1, इस मिरर का नाम रख देता हूँ मैं M2। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, जहाँ पर ये एक आदमी खड़ा हुआ है, और इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है सपोज करो 5 मीटर। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 मीटर। अच्छा, ये वाला जो आदमी खड़ा हुआ है ये मिरर M1 से 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और मिरर M2 से ये खड़ा हुआ है 3 मीटर के डिस्टेंस पर। मतलब दोनों मिरर का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये M1 से क्या है, ये 2 मीटर पर खड़ा हुआ है और M2 से 3 मीटर पर खड़ा हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो आदमी, देखो जब भी दो पैरेलल मिरर के बीच में आप जाके खड़े हो जाओगे, सपोज करो ये दो पैरेलल मिरर है, और जब भी इन दो पैरेलल मिरर के बीच में यहाँ पे गैप में जाके आप खड़े हो जाओगे, तो आपको इन्फाइनिट इमेजेस दिखेगी अपनी। इन्फाइनिट इमेजेस क्यों दिखती है? इन्फाइनिट इमेजेस इसलिए दिखती है क्योंकि M1 अपनी पहली इमेज बनाएगा, M2 अपनी दूसरी इमेज बनाएगा, फिर M2 की जो M1 अपनी एक इमेज बनाएगा, M2 अपनी एक इमेज बनाएगा, ये इनकी फर्स्ट फर्स्ट इमेज होगी। फिर M1 की जो फर्स्ट इमेज है उसको M2 क्या करेगा, वापस बनाएगा, तो ये M2 की सेकंड इमेज हो जाएगी, और M2 की जो फर्स्ट इमेज है उसको M1 वापस बनाएगा। अभी आ जाएगा समझ में। तो ये जो है अपना सवाल केवल इतना सा है, क्योंकि अपने को पता है इन्फाइनिट। देखो इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब हम लोग सलून जाते हैं, तो हम लोग ये जो है पीछे के भी बाल कटवाते हैं, और फिर वो जो है जो भी अपना बाल काटने वाला जो भी हमारा जो ब्यूटिशियन है, ठीक है ना, वो क्या करता है हमें पीछे के बाल दिखाने के लिए कि यार अच्छे बाल काटें कि नहीं काटें, तो उसके पीछे भी मिरर होता है, और दोनों मिरर सामने वाली दीवार वाला और पीछे वाली दीवार वाला वो प्लेन होते हैं, तो हमें हमारे जैसा, ठीक है ना, इन्फाइनिट नज़र आते हैं। आगे भी अपने को इन्फाइनिट इमेजेस नज़र आएगी और पीछे के साइड में भी अपने को इन्फाइनिट इमेजेस नज़र आएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आप दो प्लेन मिरर के बीच में जाके खड़े हो जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट की आपको इन्फाइनिट इमेजेस नज़र आएगी। तो अपना सवाल तो इतना नहीं है, अपना सवाल तो केवल इतना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द सेकेंड इमेज क्रिएटेड बाय M2 के अंदर जो सेकेंड इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस इस आदमी से कितना होगा। ये जो है ये आपका आदमी है, ये आदमी खड़ा हुआ है, इसका नाम रख देते हैं अपन, इस आदमी का नाम मैन है ना, तो इस आदमी की सेकेंड इमेज M2 में कहाँ बनेगी? देखो मैं बना रहा हूँ, सबसे पहली बात तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी? इमेज बनेगी इस परपेंडिकुलर लाइन पर, यहाँ इमेज बनेगी, एक लाइन ले रहा हूँ मैं सीधी, इस लाइन पर इसकी इमेजेस बनने वाली है। मैंने बताया था आपको हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पर मिलती है इमेजेस, जो ऑब्जेक्ट और इमेज को, ऑब्जेक्ट और मिरर को ऐड जॉइन करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पर ऊपर हमेशा अपने को इमेजेस दिखेगी। ये जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब मिरर M1 अपनी पहली इमेज क्या बनाएगा? जितनी दूर पर उससे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पर बना देगा। अभी मैंने बताया था कि सेम डिस्टेंस से बनाता है, तो ये ऐसा कैसा एक आदमी दिखेगा इस मिरर के अंदर, और ये हो जाएगी इमेज वन। किसकी इमेज वन हो जाएगी ये इमेज वन हो जाएगी किसकी? M1 की। इस इमेज को मैं बोल देता हूँ कि इमेज वन हुई किसकी? M1 की। और ये कितने डिस्टेंस से बनेगी? ये बनेगी 2 मीटर पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी 2 मीटर पर। ये बनी 2 मीटर पर, है ना, तो ये तो हो गई पहली इमेज, सेम साइज का आदमी दिख जाएगा। अच्छा अब अपन बनाते हैं M2 की पहली इमेज, M2 की पहली इमेज ऐसी कैसी बनेगी यहाँ पर? और ये कितनी बनेगी? ये बनेगी 3 मीटर डिस्टेंस पर, ये बनी 3 मीटर डिस्टेंस पर। ये किसने बनाई है? ये बनाई है M2 ने, और ये फर्स्ट इमेज है M2 की। फर्स्ट इमेज किसकी है, किसने बनाई है? ये बनाई है M2 ने।
अब क्या होगा, अब ये जो फर्स्ट इमेज है जिसको मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, M1 की जो फर्स्ट इमेज है ये वाली ए, ये वाली, ये जो फर्स्ट इमेज है इसको ये M2 दोबारा बनाएगा। ये जो M2 है जिसमें मैं रेड कलर का टिक कर रहा हूँ, ये इस रेड वाले को दोबारा बनाएगा। क्यों बनाएगा दोबारा? कि भैया उसके सामने है, मिरर के सामने कोई भी चीज़ आते ही उसको वो रियल ट्रीट करके वर्चुअल इमेज बनाता है, अभी भी पढ़ के आए हम लोग। तो ऐसी किसी इमेज, अब देखो ये जो रेड कलर का टिक है, ये इस रेड कलर वाले M2 से कितना डिस्टेंस पर हो गया, देखो 3 तो ये, 2 ये 5 और 2 ये 7, तो ये 7 मीटर डिस्टेंस पर है। ये जो इमेज 1 है किसकी, M1 की, वो M2 से 7 मीटर पर है, तो ये M2 उसको 7 मीटर पर बना देगा, यहाँ पर बना देगा, यहाँ पर बना देगा 7 मीटर पे, और यही अपना आंसर है। ये बन जाएगा 7 मीटर पे, ये बन गया, ये इस मिरर से 7 मीटर पे आएगा। और कौन है ये, ये रेड वाला, ये रेड वाला है इमेज 2। किसकी इमेज है ये? ये इमेज है M2 की, M2 ने बनाई है, सेकेंड इमेज है ये 7 मीटर पे। अच्छा अपना आंसर क्या होगा इसका, अपना आंसर होगा आदमी कितनी दूर पे देख रहा है अपनी सेकेंड इमेज को M2 में, आदमी देख रहा है, देखो 3 ये जिनको मैं ग्रीन कलर से एनसर्कल कर रहा हूँ वो सारा ऐड करना पड़ेगा, 3 मीटर तो ये, 3 मीटर तो ये, और 7 मीटर ये, 3 और 7 कितना हो गया 10, तो ये अपने को 10 मीटर पे देखेगा। ये आदमी अपनी सेकंड इमेज को जो उसको M2 में नज़र आ रही है वो कितने डिस्टेंस पर देखेगा, वो देखेगा, आंसर आ गया इसका 10 मीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी कंटेक्स्ट में, देखो ये 2 मिरर है, एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, 2 मिरर है ये, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरह से रखे हुए हैं कि दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखे हुए हैं। मतलब कैसे रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं ऐसे, ऐसे रखे हुए हैं 90 डिग्री पे, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री का, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का ऐसे रखे हुए हैं। इसका ये पीछे वाला साइड जो है ये पेंटेड है, आगे वाला साइड शाइनी है, जिधर मैं लाइनिंग करता हूँ वो साइड जो होता है वो पेंटेड होता है, ये वाला साइड जो है इसका पेंटेड है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है 1 1 मीटर, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये अपन ने कोऑर्डिनेट बोले हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 1 1 मीटर। इस वाले मिरर का नाम रख देता हूँ मैं क्या, इस वाले मिरर का नाम रख देता हूँ मैं M1, ये मिरर M1 है और ये मिरर है M2, और ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये ब्लैक कलर का है ये जो ऑब्जेक्ट है। अपना सवाल ये है कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट कोई एक आदमी है, यहाँ एक आदमी आके खड़ा हो गया, इस तरह से 2 प्लेन मिरर लगे हुए हैं, जैसे आपके कमरे की दीवारें हैं, एक जो दीवार है कोई सी भी, एक दीवार उसको मिरर बना लो, एक दूसरी जो आपका फर्श है उसको मिरर बना लो, समझ रहे हो आप बात। एक तो क्या करो, या एक काम करो, एक तो छत को मिरर बना लो, और एक क्या करो, एक आपकी दीवार को मिरर बना लो जो वर्टिकल दीवार है, और आप फर्श पे खड़े हो जाओ, छत से, छत की, छत से आपकी डिस्टेंस और आपकी उस दीवार पे जिस पे मिरर बना हुआ है उसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो आप फर्श पे खड़े हो जाओ, आपको कितनी इमेजेस दिखाई देगी, ये अपना क्वेश्चन है आपको। ये अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस सीन बाय द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को टोटल कितनी इमेजेस दिखाई देगी, मतलब अगर आप ये ऑब्जेक्ट आप खुद हो तो आप अपनी कितनी इमेजेस देख पाओगे।
तो ये अपना क्वेश्चन है। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, सबसे पहली बात इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सामने ये एक दीवार है, ये एक वर्टिकल वॉल लगी हुई है, ये मैंने ऐसी दीवार बना रहा हूँ, ये मैंने बनाई सामने एक दीवार, ये दीवार बनाई। अब इस दीवार के अंदर मिरर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर इस दीवार के अंदर कोई मिरर नहीं लगा हुआ। इस ऑब्जेक्ट की इमेज का है, मान लेते ये ऑब्जेक्ट है, इससे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से डी डिस्टेंस पर, तो इसकी इमेज क्या है? इमेज तो होगी नहीं क्योंकि दीवार ही है, मिरर तो लगा हुआ ही नहीं है। नहीं, इमेज है। इमेज कहाँ पर है? इमेज डी डिस्टेंस पर ही है। यहाँ पर इमेज इसकी डी डिस्टेंस पर ही है, एक सीधी की सीधी लाइन ले लो, तो यहाँ पर इस डी डिस्टेंस पर ही यहाँ पर इसकी इमेज भी है, ये सेम डिस्टेंस डी पर यहाँ पर इमेज भी है इसकी, तो दिख क्यों नहीं रही? मिरर लगा तो दिख जाएगी, मिरर लगा तो आप दिख जाएगी। जैसे आप अभी कमरे में बैठे हो और आपकी आपकी वॉल से, आपकी जो दीवार है, जो वर्टिकल वॉल है, किसी दीवार से आपकी डिस्टेंस है 7 मीटर। अब आप किसी को बोलते हो कि यार मेरी इमेज कहाँ है, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि यार 7 मीटर दूर है इस दीवार से, क्योंकि तू 7 मीटर दूर है दीवार पे, वर्टिकल दीवार से, तो इमेज भी 7 मीटर दूर है। तो दिख क्यों नहीं रही? दिख इसे नहीं रही क्योंकि मिरर लगेगा जब दिख जाएगी। अभी आपसे जाने वाली रे उस दीवार के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए नहीं दिख रही। जिस दिन मिरर लगेगा उस दिन दिख जाएगी। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पर मिरर दिखा लगा दूँ तो यहाँ पे दिख जाएगी इमेज। तो जब तक ऑब्जेक्ट इमेज है, जब तक ऑब्जेक्ट है उसके मिरर के सामने रहेगा, तब तक इमेजेस बनती रहेगी। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो देखो इसका ये डिस्टेंस कितना है, इसका इससे डिस्टेंस है ये 1 मीटर, कोई कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 1 मीटर। इससे इसका डिस्टेंस कितना है, ये भी 1 मीटर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए। ये भी कितना है, ये भी 1 मीटर है। अब सबसे पहले देखो ये यहाँ पर एग्जैक्टली 1 मीटर पर, यहाँ पर जो मैं रेड कलर के वो इमेजेस बनाता जा रहा हूँ, यहाँ पर ये एक इमेज बनेगा और परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, तो परपेंडिकुलर लाइन ले लो तो ये बनेगा इमेज 1। किसने बनाया ये? ये बनाया भैया M1 ने, तो इसके आगे मैं लगा देता हूँ M1 येलो। अच्छा उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज कौन बनाएगा? दूसरा इमेज बनाएगा M2, तो M2 से बना देते हैं दूसरा इमेज। बिल्कुल 90 डिग्री पे लाइन ले लो, 1 मीटर पे ही मान लेते हैं आगे अंदाजे से बना रहे हैं, तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो गया, तो यहां बन गया एक और इमेज। इस इमेज को मैं बोल देता हूं I2। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है M2 ने, ये बनाया है M2 ने। अब देखो ये जो I2 है, ये वाला जिसे मैं रेड कलर का टिक कर रहा हूं, अभी भी ये इस वर्टिकल दीवार के सामने ही है, जो वाई एक्सिस वाली दीवार है जो जहां पे M1 लगा उसके सामने ही है। और ये जो I1 है जो कि M1 ने बनाया, ये एक्स एक्सिस पे जो M2 लगा हुआ है उसके सामने, तो ये फिर इमेज बनाएगा। तो आप, मैंने बताया ना मिरर नहीं है तो मिरर लगा लो, इमेज दिखने लगेगा। तो मैं ये टेम्परेरी मिरर लगा रहा हूँ ब्लू कलर का, मान लेते हैं यहाँ मिरर होता नहीं है तो तुम ऐसे ही अपनी इमेजनरी लगा लो मिरर। यहाँ पर मैंने एक इमेजनरी मिरर ठोका। अब ये जो इमेज है इस मिरर के लिए, अगर यहाँ पर एक मिरर होता तो यहाँ पर इमेज बनती, और कितनी दूरी पे बनती? ये 1 मीटर ही होता। ये 1 मीटर क्यों होता? क्योंकि ये और ये इक्वल है, और फिर ये 1 मीटर दूर पर ये बना था। अब ये जो I1 है ना, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए? M2 के लिए। तो वहां दिखेगा किसको ये इमेज? हो सकता है इसको ना दिखे, इस ऑब्जेक्ट को खुद को ना दिखे। जैसे मिरर आपके पास में सामने नहीं होता, कहीं और होता है, जैसे मान लो आप जिस दीवार के सामने खड़े हो उस दीवार के बिल्कुल ठीक सामने आपके मिरर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो दूर है तो आपका इमेज तो वहीं है। अभी बताऊंगा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो ये जो I1 है, इस I1 को ये वाला मिरर बनाएगा और यहाँ पर एक और इमेज मिलेगी I3। किसने बनाई ये बनाइए इस वाले मिरर ने जिसमें मैं ब्लू टिक कर रहा हूँ। तो यहाँ तो मिरर है ही नहीं, कोई बात नहीं, मिरर नहीं है तो आप नहीं देख पाओगे उसको, ठीक है ना, कोई और देखेगा। जैसे आपसे दूर अगर कोई इमेज मिरर लगा हुआ है, अपने से दूर कोई मिरर लगा हुआ है, सामने वाली दीवार पे देखो, आप अपने फील करो इसको, बिना फील किए नहीं आएगा ये। सामने वाली दीवार को देखो, जिस भी कमरे में आप बैठे हो एक दीवार पे देखो, इस दीवार के ठीक सामने, आपके ठीक सामने, आप जहाँ बैठे हो उसके ठीक सामने मिरर होगा तो आप अपने आप को देख पाओगे। लेकिन अगर ठीक सामने नहीं होगा, मान लो थोड़ा सा दूर लगा हुआ होगा आपसे, तो आप तो नहीं देख पाओगे उसको, लेकिन कोई और देख रहा होगा आपको। जैसे एक दीवार पे मिरर लगा रहता है और अपने से थोड़ा सा दूर लगा हुआ रहता है, जैसे मान लो मैं अभी आऊँ
अभी तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली अपने आप को देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊँ और यहाँ मान लो मिरर नहीं है और मान लो मैं बिल्कुल ही गायब हो गया, ये यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया, तो यहाँ से अभी तो ये तो खैर कैमरा है, ये तो लेंसेज का खेल है। जैसे थोड़ा सा इस कैमरे इसको बड़ा करता हूँ मैं, थोड़ा सा व्यू देखो आप। जैसे सपोज करो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, अगर ये मिरर मेरे ठीक सामने है, अगर ये मिरर मेरे ठीक सामने है ऐसे बिल्कुल, तब तो मैं इसमें शक्ल देख पाऊंगा। लेकिन अगर ये मुझसे थोड़ा सा दूर है ऐसे, अब ये मेरे सामने नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ, और देखो वो मिरर वहाँ चला गया, मैंने हाथ लंबा कर दिया, अब मेरा इमेज कहाँ है, मेरा इमेज है मान लो मैं इस मिरर से सपोज करो मैं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो मेरा इमेज अभी भी 10 सेंटीमीटर दूर है। इधर देख कौन रहा है, मैं नहीं देख पा रहा, क्यों, क्योंकि मैं मिरर के सामने नहीं हूँ। यहाँ से इधर से कोई एक आदमी होगा, वो मेरे यहाँ से जो रेज आ रही होगी, यहाँ से जो रेज आ रही होगी वो इस मिरर पे टकरा रही होगी, और टकरा के वो इधर टेढ़ी हो रही होगी, तो उधर वाला देख रहा है। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये तो कहना कि फील करते हुए तो तभी समझ में आता है जब हम लोग आमने सामने क्लास में होते हैं, या तो बस जितना अपन फील कर सकते हैं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऐसा ही है कि 100% बोर्ड पर नहीं चलता, ये फीलिंग से भी समझ में आता है। देखो अब इस इमेज को किसने बनाया, ये जो मैं ब्लू कलर की बात कर रहा था, इस इमेज को किसने बनाया, इस इमेज को बनाया है इस वाले ब्लू कलर वाला जो मैंने टिक किया है, इस मिरर ने, या तो मिरर है ही नहीं, कोई नहीं, अपन ने ऐसे रिप्लेसमेंट मिरर लगाया। अच्छा एक और, अब ये जो आई वन है, ये जो आई वन है जो एम वन ने बनाया है, ये वाला जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, ये इस एम वन के भी सामने है, तो ये वापस बनाएगा एम वन इसको, तो इसको पीछे लो आप। तो देखो इस आई वन को तो किसने बनाया, जिस पर मैंने ब्लू टिक किया है, इस आई वन को तो बनाया इस ब्लू टिक वाले मिरर ने, रिप्लेसमेंट मिरर ने। और ये जो आई टू है, ये आई टू जो है जिसको मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, ये रेड कलर से, ये देखो ये टिक कर रहा हूँ, ये टिक कर रहा हूँ, 2-3 बार टिक किया है। ये जो आई टू है जो कि एम टू ने बनाया, इसको वापस ये एम वन बनाएगा, और एम वन कितना बनाएगा देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो अब इसको आई टू को ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला मिरर जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ब्लू के ऊपर मैं जो रेड कर रहा हूँ, ये आई टू को ये रेड एंड ब्लू जो है ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों, क्योंकि ये भी 1 मीटर है, तो वापस ये इसको 1 मीटर बना देगा, ये वाली जो दोनों इमेजेज है ये ओवरलैप कर जाएगी। तो ये जो आई थ्री इमेज है ना, ये कौन कौन बनाएगा, ये एक तो बनाएगा एम वन, एक बनाएगा एम टू, ये दोनों बनाएंगे, तो टोटल इमेजेस कितनी हो गई, टोटल इमेजेस 3 इमेजेस दिखेगी आपको, इन परपेंडिकुलर मिरर्स के बीच में 3 इमेज दिखेगी। एक तो बनी आई वन, वो तो प्योर एम वन ने बनाई है, एक बनी आई टू, वो प्योर एम टू ने बनाई है, और एक बनी आई थ्री, ये एम वन और एम टू ने कंबाइंड करके ओवरलैप हो जाएगी, इसके बाद में कोई इमेज नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिरर के पीछे आ गया, दोनों मिरर के ठीक पीछे आ गया ये, तो अब कोई सी इमेज नहीं बनेगी, है ना। तो ये ऐसे करके इसका आंसर कितना हो जाएगा, है ये आंसर हो जाएगा टोटल 3 इमेजेस। समझ में आ गई बात, ये टोटल क्या बनेगी, ये 3 इमेजेस बनेगी। और देखो ये स्क्वायर बनाए, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी 1 मीटर होगा, तो ये 2 मीटर की साइड का क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। और अगर अपन चाहें तो इसके एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जो जेई के अंदर डील करते हैं हम लोग, तो अभी तो ज़्यादा डिटेल नहीं में नहीं जाएंगे अपन, आपके होच पोच हो जाएगा, इतना आपके दे नहीं रखा, तो ये सर्किल के अंदर होंगे, ये समझ में आ गई बात। तो ये अपन ने पढ़ी है इमेजिंग, एक बार आप लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, फिर जब अपने एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम, तब अपन एक बार इस चैप्टर को वापस रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी अपने को इतना ही पढ़ना है, अभी प्लेन मिरर और है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है प्लेन मिरर, मतलब अगले 1 महीने तक मैं प्लेन मिरर ही पढ़ा सकता हूँ आपको, प्लेन मिरर के क्वेश्चन ही खत्म नहीं होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार हर क्वेश्चन नया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मिठाई की दुकान में कितनी मिठाई है, सवाल ये है कि अपन उसमें से कितनी खा के डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो अपने को उतनी खानी चाहिए जितना अपने डाइजेशन हो जाए, है ना, वो मिठाई आराम से पच जाए, ऐसा नहीं कि अपन सारी मिठाई की दुकान ही लूट के खा जाएंगे, है अपने डाइजेशन नहीं होगा, और जब डाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो अपन और मिठाई भी खा लेंगे, लेकिन ना तो मैं वापस एक बार बाद में लूँगा, अभी तो आपके इतना भी नहीं दे रखा जितना मैंने पढ़ा दिया है। तो ये बात करिए हम लोगों ने प्लेन मिरर की, अभी भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मिरर अपने सामने नहीं है तो अपनी इमेज कहाँ है, तो इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखना आप
समझ में आए तो, और अगर नहीं समझ में आए तो उसको अवॉइड कर देना आप, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके कोर्स के बियॉन्ड पढ़ा रहा हूँ मैं। लेकिन जैसा कि मुझे रिव्यूज़ मिले हैं, सभी बच्चे ठीक हैं, और अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे इसको तो ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये एडवाइस करूँगा, ये NTSC ओलंपियाड JEE वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल इमेजिंग ही तो देखनी है, कुछ डे डाइग्राम मैं बना रहा हूँ, आपको तो केवल वीडियो देखना है। तो देखो ज़रा, सपोज करो ये एक दीवार है, ये एक वर्टिकल वॉल है, ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर इस जगह एक मिरर लगा हुआ है, केवल इस सेक्शन के अंदर। ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां पर है, और ऑब्जेक्ट इस दीवार से डी डिस्टेंस दूर है, यहां से ये डी डिस्टेंस दूर है। ये रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस दीवार से डी डिस्टेंस दूर बना देते हैं अपन। ये डी डिस्टेंस है ना। अब इसका इमेज कहाँ होगा? इसका इमेज डी डिस्टेंस ही दूर होगा। ये डिस्टेंस जो है ये डी है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर, तो इमेज भी एग्जैक्टली डी डिस्टेंस पर ही मिलेगा, जहाँ पर इमेज होगा, चाहे मिरर है चाहे नहीं है, वहाँ पर इमेज मौजूद है। कब दिखेगा? जब दिखेगा जब यहाँ इस जगह मिरर लग जाएगा, इस जगह इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने 90 डिग्री पर मिरर लग जाएगा, तब ये इमेज दिख जाएगा। तो फिर अभी किसको दिख रहा है ये? अभी है इससे रे भेजो, देखो इस मिरर से, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिसके आंख में रे जा रही होगी उसको दिख रहा होगा ये। इस मिरर से एक रे भेजते हैं अपन, यहाँ से एक रे गई और इस मिरर के लोअर एंड पे जाके गिरी, एक रे यहाँ से दूसरी निकालता हूँ जो टॉप मोस्ट एज पे जाके गिरेगी इसके, एक रे यहाँ गई और इस मिरर के यहाँ जाके गिरी, मान ले मिरर यहाँ तक है ना, एक रे ये गई। अब ये वाली रे किधर जाएगी जो यहाँ के आई है? अब रिफ्लेक्ट करता हूँ इसको, ये यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ये यहाँ पर नॉर्मल बनाया, ये एंगल सपोज करो थीटा है, ये एंगल सपोज करो कुछ एल्फा है, ऐसा अपन ने मान लिया है ना, एक को थीटा मान लिया और एक को हम लोगों ने एल्फा मान लिया। तो ये थीटा आई है तो ये थीटा पर ही निकलेगी, ये थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, ये सेम थीटा एंगल पर, क्योंकि आने वाली रे और जाने वाली रे नॉर्मल से सेम एंगल बनाती है, और ये क्या हो गई, ये सेम एंगल एल्फा पे रिफ्लेक्ट हो गई है ना, ये एल्फा पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये वाली जिससे मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, ये दोनों तो थी इनपुट रेस, दोनों रेड वाली इनपुट रेस, देखो पीछे बढ़ाने पर काट रही है, कहाँ काट रही है? ऊपर जहाँ पर मैंने रेड मार्क किया है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल, रियल ऑब्जेक्ट है। और ये वाली दोनों हो गई आउटपुट रेस, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ये अल्फा बनाती हुई जो निकली है, एक तो ये और एक ये दोनों क्या हो गई? ये दोनों हो गई आउटपुट रे, ये जो ब्लू कलर वाली आगे जा रही है। तो आउटपुट रे देखो पीछे बढ़ाने पे यहाँ काटेगी, पीछे बढ़ाओ इसको, ये जो मैं ब्लू कलर से बढ़ा रहा हूँ, और ये भी पीछे बढ़ाने पे यहाँ काटेगी, तो इसलिए ये इमेज दिखेगा यहाँ पर। और दिखेगा किसको? इस आँख को, इस आँख को, ये जो आँख है इस आँख को ये इमेज दिखेगा। इस आँख को मतलब इतनी बड़ी आँख किसकी होगी? इतनी बड़ी आँख किसी की भी नहीं होगी। इस बाउंड्री के अंदर, ये जो बाउंड्री बन रही है, इस बाउंड्री में जो जो लोग खड़े होंगे उनको इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ दिख जाएगा। यहाँ यहाँ मान लेते हैं अपन, उस आई को इधर सरका लेते हैं, क्योंकि डायग्राम इसी हिसाब से बना है, इसको तो भूल जाओ आप,
यहाँ दिखेगा, इसका इमेज यहाँ दिख जाएगा। तो ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, डी होगी। यहाँ यहाँ पे जो लोग इस रीजन में जो लोग खड़े हैं उनको दिख जाएगा। तो ओवरऑल मैं क्या समझाना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर, तो इमेज भी एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पर बनता है, चाहे वो खुद ना देख पाए। जैसे मान लो अगर ये एक फ्लाई है, ये एक मक्खी है, तो ये फ्लाई खुद को नहीं देख पाएगी। इस फ्लाई को कौन देखेंगे, है इस मिरर से ये वाले लोग जो देखेंगे, जो यहाँ पर, जहाँ पर इस रीजन के अंदर जो आँख लेके खड़े होंगे, ठीक है ना, जिन जिन के पास भी आँखें होगी वो इस मक्खी को यहाँ पे देख लेंगे, ये इसकी इमेजिंग है। तो ये प्लेन मिरर मैं यही रोक रहा हूँ, आप एक बार पूरा रिपीट कर लीजिए इसको, आज प्लेन मिरर ख़त्म है मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारा पढ़ा दिया है। हालांकि अभी पढ़ाने के लिए बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन एक बार अपन वापस रिव्यू करेंगे इसको जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा। और तो अभी अभी वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया प्लेन मिरर के अंदर, इतना बताने के लिए है नहीं। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको आधा पेज मिलेगा इसका, प्लेन मिरर के बारे में ज़्यादा बता ही नहीं रखा। तो अपन नेक्स्ट क्लास से चालू कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं करवाऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी अभी के लिए इतना ही। प्लेन मिरर अपन यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों कल से अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जिस भी बच्चों को आप ये फॉरवर्ड करें प्लीज़ उसको बोल दीजिएगा कि पुराने दो लेक्चर जरूर से देख ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्फेरिकल मिरर का आपके पास में वीडियो आ जाएगा। और एक दो वीडियो और बनाने के बाद में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ, मेरी राइटिंग वाइटिंग ठीक आने लग जाए, क्योंकि बोर्ड में तो ठीक आती है मेरी राइटिंग, लेकिन ये पेन टैबलेट पे लिखना पड़ता है, फ्रिक्शन नहीं मिलता। तो अक्षय सर की तो आदत पड़ी हुई है इस पे, मेरी आदत नहीं है अभी, तो थोड़ी सी राइटिंग ठीक हो जाए, डायग्राम वगैरह अच्छे से बनने लग जाए, थोड़ा सी हो गई है इम्प्रूव, तो फिर मैं लाइव भी आऊँगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी साथ में लेते रहेंगे। चलिए, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।